प्यारे बच्चों, कल हमने पेंगोंग टीएसओ के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज पेंगोंग मीन एंड वायर is it situated? What does Pangong mean and where is it situated? Pangong कहाँ पे, Pangong का मतलब क्या है और ये कहाँ पे है? इसका जवाब है, Pangong means a very long curve and it is situated 160 kilometers away from Leh in Ladakh. तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेंगोंग लेक। यहाँ पे आपको पेंगोंग लेक के बारे में बताना है। जो भी आप पेंगोंग लेक के बारे में जानते हैं वो सब आपको यहाँ पे बताना है। जैसे पेंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन लद्दाख। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज 130 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 6-7 किलोमीटर्स वाइड। वैसे आप तीसरा लिख सकते हैं, इट इज 700 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया। इसका एरिया कितना है, 700 स्क्वायर किलोमीटर। चौथा, इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन एंड वाइस वर्सा। ये अपना रंग बदलता है ब्लू टू ग्रीन एंड वाइस वर्सा, यानी ब्लू से ग्रीन और ग्रीन से ब्लू हो जाता है। ओके, और ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं कि ये इट है सैलिन वाटर, इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रैकिश लेक, और ये भी कह सकते हैं इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, विच माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन पेंगोंग इन समर। समर के दौरान पेंगोंग के पास कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं? ड्यूरिंग समर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक बार हेडेड गूज, ब्राह्मणी डकस एंड ब्लैक हेडेड साइबेरियन क्रेन आर सीन इन पेंगोंग, अलोंग विथ माइग्रेटरी एनिमल्स लाइक कियांग एंड मरमूथ। यानी ये पांच जो आपने देखे, यही एनिमल्स और बर्ड्स वहां पे पाए जाते हैं ड्यूरिंग समर। फिर है, व्हाई आर सिविलियंस अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स अलोंग द शोर ऑफ पेंगोंग। सिविलियन को 7 किलोमीटर ही जाने की इजाजत क्यों है? बिकॉज ए पार्ट ऑफ द पेंगोंग इज इन चाइना, क्योंकि इसका एक हिस्सा चाइना में है। अब फिर इसका एक क्वेश्चन यहां पे है, नेम द विलेज सिचुएटेड अराउंड द लेक। उस गांव का नाम बताओ जो वहां पे है, या नेम द विलेज। अगर आपको ज्यादा भी पता है तो ज्यादा के नाम भी लिख सकते हैं। तो खैर, मैंने यहाँ पे एक का नाम लिखा है स्पेंगमिक। अगर आप और भी जानते होंगे तो आप उन सबों के नाम लिख सकते हैं। व्हाट डज रामसार कन्वेंशन मीन। रामसार कन्वेंशन का मतलब क्या है, ये भी आप जानते हैं, ये मैंने आपको बताया है। रामसार कन्वेंशन मीन्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसका मतलब है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस फॉर कंजर्विंग वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। किस लिए एग्रीमेंट किया गया है? ताकि वेटलैंड्स, यानी ये जो वाटर बॉडीज है, इनको कंजर्व, कंजर्व मीन्स बचाया जाए। ओके, तो इस तरह से ये पूरे क्वेश्चन इसके मुकम्मल हो जाते हैं। अब इसके बाकी के क्वेश्चन है लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क के बारे में हम इंशाल्लाह कल देखें।